तो एक बड़ी खबर आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने भी एग्जिट पोल पर किया तंज। कहा अखिलेश यादव खाएंगे असली जीत के लड्डू। सपा ने भी ट्वीट करके कहा कि 10 मार्च को सरकार हम ही बनाएंगे, तो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ही होंगे। तेजस्वी यादव का बयान, तेजस्वी यादव ने भी एग्जिट पोल पर किया है तंज। तो आपको बता दें, सपा के बाद अब बिहार की विपक्षी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के विधायक और बिहार विधानसभा के विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी एग्जिट पोल पर तंज किया है। तो जिस तरीके से एग्जिट पोल में योगी आदित्यनाथ की सरकार की वापसी के अनुमान व्यक्त किए गए, उसे लेकर तेजस्वी यादव ने तंज करते हुए कहा कि बीजेपी के एग्जिट पोल में जीत के लड्डू का मजा लेने दीजिए। तो आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने कहा कि एग्जिट पोल में जीत का लड्डू बीजेपी वालों को खाने दीजिए, 10 मार्च को नतीजे पर असली जीत के लड्डू अखिलेश यादव खाएंगे और अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि एग्जिट पोल के अनुमानों में बिहार बीजेपी में खुशी का माहौल है। आपको बता दें, बिहार बीजेपी के डॉक्टर संजय जायसवाल ने यूपी में पार्टी का जीत का विश्वास करते हुए कहा कि जो जनता के लिए काम करेगा, जनता उसे दोबारा चुनकर सत्ता में जरूर लाएगी। इस पर तेजस्वी यादव ने कहा कि याद कीजिए, बिहार में जब एग्जिट पोल आए थे उसमें हमारी सरकार बन रही थी, लेकिन परिणाम कुछ और निकले। इन्होंने, हालांकि वो सरकार चोर रास्ते से बनाई हुई सरकार थी, ये तेजस्वी यादव का बयान है। आपको अभी सुनाएंगे तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है, लेकिन इससे पहले आपको ये भी बता दें कि समाजवादी पार्टी ने भी ट्विटर पर ट्वीट करते हुए कहा कि 10 मार्च को नतीजे हम बताएंगे, सरकार हम ही बताएंगे। तो सपा की गठबंधन सहयोगी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी सुभाषपा के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने भी सहयोगी दल के सुर में सुर मिलाते हुए कहा कि एग्जिट पोल कभी सही नहीं रहे, तो 10 मार्च को सपा गठबंधन प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, बस 10 तारीख को नतीजे सामने आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि एग्जिट पोल हमेशा चाय की दुकानों पर होता है जहां बीजेपी के समर्थक रहते हैं। तो आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से बिहार और बंगाल का उदाहरण दिया कि बंगाल में भी एग्जिट पोल हुए थे लेकिन नतीजे कुछ और आए, बिहार में भी एग्जिट पोल हुए लेकिन नतीजे कुछ और आए, अब उत्तर प्रदेश में भी जिस तरीके से एग्जिट पोल आ रहे हैं, बीजेपी को एग्जिट पोल में जीत के लड्डू का मजा लेने दीजिए, असली लड्डू, असली जीत के लड्डू अखिलेश यादव ही खाएंगे। तो आइए अब आपको सुनाते हैं तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा। प्रदेश में जीतती नजर आ रही है। अरे भाई, एग्जिट पोल का लड्डू खाने दीजिए उनको, जीत की असली जो रिजल्ट होगा वो अखिलेश जी लड्डू खाएंगे, क्या चिंता कर रहे हैं। चलिए, बीजेपी कह रही है कि चलिए बढ़िए बढ़िए बढ़िए, जो लगातार आवाज उठा रहे थे उनको जवाब जो है एग्जिट पोल ने दिया है, नतीजे आएंगे तो और भी उनको जवाब मिलेगा, वक्त आने दीजिए। यानी बीजेपी मानती है बिहार में जब एग्जिट पोल आया था तो हमारी सरकार बनना तय था और हमारी सरकार तो बनी गई थी, ये तो चोर दरवाजे से आए थे। बिहार में जब चुनाव हुआ था तो एग्जिट पोल रिजल्ट क्या दिखा रहे थे, किसकी सरकार बता रहे थे? तो ये बीजेपी के लोग, सब लोग जानते हैं इस बात को, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि यूपी में लोग जो हैं सावधान रहें, ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं।